Hey guys, welcome back. और दोस्तों कल हमने हमारे मॉन्स्टर फिश का जो वाटर है वो चेंज किया था, ठीक है। तो ये देखो यार, अभी हमारे सारे फिशेज सेट हो चुकी है और मैंने यहाँ पे हमारी मतलब जो स्पॉन्ज फिल्टर वगैरह थी ये मैंने कल ही चलवा दी थी, ओके। तो सारी अभी चल रही है, मतलब मॉन्स्टर टैंक के जो देख सकते हो जितना भी ऐसा मतलब थोड़ा ब्लर सा वाटर था अभी पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। और हमारा बॉबी ठीक है और प्लेको शार्क वगैरह हमारे सारी ठीक है। और दोस्तों उनके साथ हमने ये वाला सेटअप भी बनाया था क्योंकि यहाँ पे हमारी आने वाली थी यार, हाँ सरप्राइज वाली फीस थी ना, ओके जो सरप्राइजिंग फीस थी वो आने वाली थी। तो दोस्तों वो आ चुकी है मेरे दोस्त के पेट शॉप पर, ठीक है। तो उसे अभी हमें पिकअप करने के लिए जाना है जल्द से जल्द, ओके। तो चलो यार जल्दी ही चलते हैं और यहाँ पे वो फिश लाते हैं। और काफी सारे भाइयों ने सही गेस किया था तो वही फिश आने वाली यार, चलो चलते हैं। वही हमारी न्यू वाली फिश को लेकर चल भाई जल्दी चलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूँ दोस्त के दुकान पे और ये देखो भाई ये उसकी हस्की है। हेलो लियो 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 तो तरह सा चलो कोई नहीं यार, हमारे सरप्राइजिंग फीस का है, मतलब मैंने तुझे लगाने ओके लाइट्स नहीं क्या? तो दोस्तों ओ यार कुछ नहीं दिख रहा भाई अंदर का, ये देखिए यहाँ पे यार इनका कलर तो मैंने अलग सा देखा था बट अलग है। तो दोस्तों हमारे जो सरप्राइजिंग फिश है वो है घोस्ट फिश जो कि मैंने ऑलरेडी थंबनेल लगा कर रखी है। तो ये देखो भाई ये फिश है वो, आ जाओ भाई बाहर, ये है दोस्तों घोस्ट फिश। इनका कलर शायद से ना ट्रैवलिंग में कुछ ऐसा फेंट सा हो चुका है क्योंकि मैंने फोटो में देखा था फुल ब्लैक कलर में था और उसको वाइट कलर की थोड़ी बहुत ऐसी राउंड राउंड वाली स्ट्रिप थी, पता नहीं यार इसे क्यों आई है ये। चलो कोई नहीं दोस्तों अभी इनको पकड़ते हैं और इनको अभी हम घर लेके जाते हैं। और दोस्तों काफी सारे भाइयों ने मुझे कहा था कि भाई वो फिश आप लेके आओ लेके आओ, तो मैं फाइनली वो फिश तो लेके आ गए आपके कहने पे लाए हो, ठीक है ना। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे यार आप वो फिश लेके आओ घोस्ट फिश, ठीक है। ये देखो लियो 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 ओए। और दोस्तों लियो के लिए ना अभी न्यू वाला केज बनाया है ये वाला, ये देखो भाई कितना बड़ा है ये, कितने का है? 4x4x5 मतलब कैसे पता नहीं यार, ऐसे चार है ओके, स्क्वायर पूरा चार चार का है और जो हाइट है 5 feet की है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी हाइट है इसकी। और देखो यार ये अभी इसका काम ही चल रहा है, लियो को अभी यही केज था पहले जब इसको लाया था और अभी ये इस वाले केज में रहने वाली है। तो ये भाई का मतलब जो सिकलेट्स वगैरह रेडी की जो फिशेज होती है जो कि यहाँ पे सेवरम है, ये सिकलेट है और कुछ यहाँ पे पोलर पैरट्स वगैरह है, ठीक है। तो भाई का ये टैंक है, ये देखो भाई बहुत ही जबरदस्त है, आपको मैंने पहले भी इसका टैंक दिखाया है। दोस्तों मैंने हमारे जो घोस्ट फिश है वो पैक कर लिए, ये देखो भाई कैसी होती है भाई, अलग ही यार, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ध्रुव तुझे कैसा लगा यार इसको देखकर? अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी है, मुझे तो क्यूट नहीं लगी बट अलग ही लग रहा है भाई, कुछ अच्छा इलेक्ट्रिक फिश जैसा लग रहा है, करंट देगी ऐसा लग रहा है मुझे, ये करंट बिरंट तो नहीं देगी, हम नहीं देते ना। तो चला इनको अभी मैं जल्दी से जल्दी घर लेके जाता हूं, जल्दी निकलते चल। फाइनली दोस्तों मैं हमारी न्यू फिश लेके आ गया। तो दोस्तों अभी मैं इनका जो टेम्परेचर है वो पहले सूट करवा लेता हूं, ओके 10 मिनट्स के लिए ऐसे रख देता हूं और 10 मिनट्स के बाद दोस्तों मैं इनको यहां पे शिप कर दूंगा, ठीक है भाई। कैसी होती यार ये फिश, कितनी खतरनाक है यार ये ध्रुव भाई, भाई मैंने सोचा भी नहीं था यार ये ऐसी होती है, मतलब अलग ही यार ये भाई, सारे फिशेस मतलब हमारी अलग है और ये से यार ये। तो दोस्तों अभी 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसे अभी हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दो ध्रुव भाई एक मिनट वही पानी डाल दे, नहीं पानी अच्छा है भाई हमने मतलब पानी तो अच्छा ही है, ऐड कर दे। वैसे पेट शॉप से लाते तो हम पानी वगैरह चेंज कर देते हैं बट ये कल रात को ही आ चुकी थी भाई के पास। ओ ओ भाई 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 ये देखो दोस्तों कैसी भाई ये घोस्ट फिश, वाव यार ये यार, हाँ ना ये देखे देखे कैसे तैर रही है भाई ये, ऐसे क्यों कर रही है यार, हाँ ना ये देख भाई, हमारे जो नॉर्मल फिश होती है ना दोस्तों ऐसे नॉर्मल से तैरती है बट यार इसका एक अलग ही है भाई, ये देखो यार कितनी क्यूट है यार ये भाई, सच में घोस्ट फिश है यार ये देखो भाई वाह। और दोस्तों इनको ना छुपने के लिए जगह वगैरह चाहिए होती है तो इसी की वजह से मैंने यहाँ पे जो मटकी है ना ये ऐड की है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो फिश है एकदम परफेक्ट सेट हो जाने वाली है ऐसा मुझे लगता है यार, ये देखो मटके के पीछे ही घुसने वाली है, ये देखो भाई वाह यार। और दोस्तों
और दोस्तों मैंने जिस अंकल के पास से ये परचेस किया था ना, मतलब हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि मेरे दोस्त के पास वो पार्सल आया है, बट मैंने जिस अंकल को ये बोली थी, अंकल ने हमें फुल ब्लैक कलर दिखाया था यार, इनका कलर ऐसा हाँ हल्का सा, मतलब देखो यार कलर नहीं है इसको इतना, मैंने जो कैमरा में देखा था ना अभी फुल डार्क कलर का घोस्ट था, वो ज़्यादा क्यूट दिखता है, ये अलग ही कलर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत इनका कलर डाउन हुआ होगा, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई ये क्या, मतलब क्या चीज़ है, ठीक है ना। वैसे मैं अंकल को एक बार बोलूँगा भाई ये कौन सी फीस आपने भेजी है। ये देखो दोस्तों, ये मटकियों में जाना पसंद कर रही है यार, अभी तो इनको थोड़ा न्यू लग रहा होगा, ये पूरा उनका घर देखेगी, फिर इनके लिए और हम कुछ चीज़ हमारे से कम हो गई होगी, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर देना, ठीक है। दोस्तों आपको पता था यार, कल हमने हमारे टाइगर बाब हमारे कलर वीडियो के साथ यहाँ पे शिफ्ट की थी, तो वो भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुकी है। ये देखो, ये ग्रुप में ही रह रही है यहाँ पे, और हमारे कलर वीडियो का अलग सा ग्रुप है, हमारी कोई फिश तो दोनों के मिडल में रहती है यार। ये देखो यार, ये ऐसी अलग ही, मतलब उनको ग्रुप करके रहती है, ये बड़ी क्यूट होती है टाइगर बाब फिश, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये फिश। दोस्तों मैंने हमारे पाँचों के पाँचों टब भर के रखे थे कल ही, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और दोस्तों इनमें हमें कौन सी फ़िश ऐड करनी थी आपको मैं वो भी बोला था, 5 वैरायटी अलग अलग गोल्ड फिश हमें ऐड करनी थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक मूर, यहाँ पे ऑरेंज कलर की गोल्ड फिश, रेड कैप, ओरंडा गोल्ड कैप गोल्ड फिश, और कौन सी गोल्ड फिश पता नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दोस्तों कुर्ला फिश मार्केट, तो वहाँ से सोचा कि यार मैं वो फिश भी लेके आऊँ, और कौन सी मुझे स्नेल भी, बहुत सारे भाई बोले थे कि आपके जो वाइल्ड स्नेल है तो आप वो मतलब जो एशियन स्नेल कुछ करके आती है तो वो स्नेल आप लेके आओ आपके सेटअप पे, ठीक है। तो वो जो स्नेल होती है तो वाइल्ड स्नेल आपकी नहीं रहेगी, मतलब वो स्नेल लाने से, तो ठीक है वो स्नेल भी मैं लाने का जरूर ट्राई करूँगा, वहाँ पे मिलती है, अवेलेबल होती है, मुझे भी नहीं पता, बट गोल्ड फिश तो मैं पक्का लाने वाला हूँ, ओके। तो ये पाँचों टब में हम एक एक दो दो पेयर गोल्ड फिश का रखने वाले हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे वो जो सर्वाइव कर गए तो और गोल्ड फिश हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जैसे कि हमने गप्पीज मौली यहाँ पे छोटे छोटे फिश छोड़े थे, वो तो यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे भाई, गोल्ड फिश यहाँ पे वही से सर्वाइव कर पाती है या नहीं वो भी हमें देखना है, ठीक है। दोस्तों अभी इवनिंग हो चुकी है और हमारे एलिगेटर गार फिश का खाने का टाइम हो चुका है, देखो भाई वो लोकेशन पे आ चुकी है, भाई ये उठाना एक मिनट, इसे उठाना, हाँ ये देखो भाई, मुझे पता था भाई अभी इवनिंग में, हर इवनिंग में ये यहीं पे आती है, चलो भाई आ जा, ये देखो हमारी गार फिश, इसे सूखे हुए प्रॉन्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, श्रिम्प वगैरह बड़े ही मजे से खाती है यार ये, ये तो खा रहा है भाई। और दोस्तों हमारे जो एलिगेटर गार है यार, दिन भर ऐसे ही हम ओपन करके रखते, क्योंकि इसे प्रॉपर धूप भी मिलना चाहिए इसे भी, और हमारा जो वाटर लिली का पौधा है इसे भी अच्छे से प्रॉपर धूप मिलती है यार, ठीक है। तो ये हम ऐसे ओपन रखते, सिर्फ रात को यार हम अच्छे से इसको ढक देते, क्योंकि भाई ये जंप करने का डर होता है हमें, तो दोस्तों इसे हमने प्रॉपर तो अच्छे से ढक दिया, तो अभी ये जंप वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए कुर्ला फिश मार्केट, और 2 दिन यार हमारे जो रैबिट के बेबीज है उनको भी देख लेते, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी इनको मिलूंगा सीधा 2 दिन के बाद, क्योंकि मुझे जाने में 1 दिन लग जाता है और आने में 1 दिन लग जाता है, ठीक है। तो चलो यार रैबिट के बेबीज देख लेते हो पहले। ये देखो यार दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो ब्लैकी ने पूरी मिट्टी निकाल के रखी है, और इसके रूट्स भी डैमेज हो सकते हैं, और हमारा ये पौधा भाई डैमेज हो सकता है, मतलब ये मर भी सकता है, ठीक है ना। इसी की वजह से यार ब्लैकी को मैं बाहर नहीं छोड़ता यार, पता नहीं यार ये ऐसा क्यों करती है भाई। ग्रे क्या चल रहा है यार, ओए भाग गई, और ग्रे के यार ये भाई पिजन का बच्चा यहाँ पे किसने छोड़ दिया यार। चलो ग्रे के जो बेबीज है वो भी देख लेता हूँ मैं भाई, इसे ना पिजन के इसमें छोड़ दे आराम से, हाँ छोड़ दे, ओके। हेलो, ये देखो यार ये हमेशा सोते ही रहते यार यहाँ पे, ये देखो यार इनकी थोड़ी थोड़ी दोस्तों आंखें अभी खुलने लगी है, और 1-2 दिनों में इनकी आंखें खुल जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, मैं तो अभी कुर्ला मार्केट जा रहा हूँ, और वहाँ से आने तक मुझे तो ऐसा लगता है इनकी आंखें भी खुल जाएगी और ये बाहर भी निकल के आएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा तेज मतलब इनकी ग्रोथ हो रही है ना यार, मैंने सोचा भी नहीं था यार, मतलब 3 दिन ये 4-5 दिन के होंगे यार, सिर्फ ये इतने बड़े बड़े हो गए यार, ये यार बड़े एक्टिव होते यार ये, अभी इनका सिर्फ मुझे बाहर आने का ये है वक्त,
और दोस्तों काफी सारे भाई कह रहे थे कि यार आप इनको अच्छे से बाहर से ढक दो, ढक कर सिर्फ ग्रे जा सके इतनी ही जगह रहने दो। बट यार हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है कि मैं इनको ऐसा ढक के रखूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैं इसको ढक लूंगा और यहाँ से भाई मतलब ईंट वगैरह इनके ऊपर गिर सकती है यार, मैं वो रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, सिर्फ रात को थोड़ी ठंड होती है और जो दोपहर में होती है नॉर्मल से ऐसी गर्मी सी होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ठीक है ग्रे, मैं अभी तुझे मिलूंगा कंप्लीट 2 दिनों के बाद, ठीक है। तो ग्रे और हमारे सारे पेट्स का ख्याल है हमारे ध्रुव भाई ही रखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी मेरे दोस्त के यहाँ पे आया हूँ और आपको पता था यार 1-2 दिनों पहले ये वाली जो लैब है हमारे सेटअप पे आई थी, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे देने वाली यार अभी कितने दिनों में बच्चे देने वाली है, 1-2 दिन में दे देगी। ओ भाई ओके, छोटे छोटे बच्चे आएंगे यार हमारे सेटअप में फिर से न्यू न्यू। हेलो, आपको पता है यार यहाँ पे एक गप्पी पौंड अंदर हो गया, मैं इसको पकड़ के रखा, अभी बहुत ज्यादा नहीं रहे एग्रेसिव हो गया, हमें अंदर नहीं आने दे रही है। ये देखो फिर से पकड़ के रखो इसको, मैं लास्ट टाइम मैंने दोस्तों मतलब पिछले ही हफ्ते ये वाला पानी चेंज किया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने गप्पी दी थी टक्सोरी, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ओके, उसको पकड़ के रख यार, नहीं तो भाई मेरे पीछे आएगी डायरेक्ट। डॉग से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है यार, ये देखो यार टक्सोरी, वाह यहाँ पे अच्छे से ये सेट हो गई है, ओके ठीक है। और यहाँ पे भी हमने ब्लैक कलर की गप्पीज छोड़ी थी और इसका भी वाटर चेंज किया था यार, तो ये भी सारी की सारी ठीक है। ये देखो यार ये भी ठीक है, हाँ भाई ये भी ठीक है। ओ यार इसको उधर कर यार ध्रुव, मैं क्या बोल रहा, उधर से तू ऐसा कर, मैं इधर से करता हूँ, अपने बच्चे देखने कितने बड़े हुए। हाँ हाँ अंधे 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 अच्छा भाई, ओहो ये देखो यार ये है दोस्तों ब्लैक गप्पी और इसमें एक मेल ब्लू कलर का था, वाओ सही है वही मेरा। दोस्तों मुझे यार काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं हमारे हैमस्टर और गिनी पिग को लेकर, यार आप इनको रात को ढक दिया करो, ठीक है। हाँ भाई मैं इनको अच्छे से ढक दिया करता हूँ, ठीक है। ये देखो यार बाहर से मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ढक के रखता हूँ और ऊपर से मैं ये प्लास्टिक शीट वगैरह लगा के रखता हूँ, ट्रे वगैरह लगा के रखता हूँ, ठीक है। मतलब यार हमारे यहाँ पे जो आउल आते हैं ना, पहले मेरे पास हैमस्टर थे यार, ठीक है, बट क्या हुआ था हमारे यहाँ पे ना, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर, ठीक है, मतलब रात को यार 12 बजे के आसपास आउल आते हैं, तो इसी की वजह से इनको बहुत संभालना पड़ता है। तो ऊपर से मैं ढक देता हूँ, मतलब वो उनके ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। जब मुझे मौका मिला मैं उनको जरूर शूट में लूंगा, ऊपर ही बैठते यार वो, ठीक है। ये देखो यार इनको कुछ ऐसा ढकना पड़ता है मुझे, ठीक है, तो यही सुरक्षा है भाई इनके लिए, बाकी कुछ नहीं, आउल वगैरह ऐसे अटैक नहीं कर सकते उनके ऊपर। हमारा तो ये सोया ही होता है यार अंदर, ये कब निकलता है बाहर इसका भाई कुछ पता नहीं यार, टाइम ही नहीं यार इसका, कब इसको जब खाना देता हूँ तब बाहर आता है फिर चला जाता है अंदर। तो काफ़ी सारे भाई ये भी कह रहे थे कि यार आप आपके कोको के लिए कोई पार्टनर लेके आओ, तो यार इसका पार्टनर बहुत जल्द आने वाला है हमारे सेटअप में, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर करके रखा है सामने वाले अंकल को, ठीक है, कॉल वगैरह पे बात हो गई हमारी, तो कोको के लिए बहुत जल्द फीमेल आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।